अगर आप देखेंगे ना, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है और चैन का क्वालिटी अच्छा है बाकी इसका। सो फ्रेंड, बाकी मैं इसमें एक बार आपको सो के दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसमें सो सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना चैन है तो इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ये ओपन कर लीजिए आप और आराम से इसके अंदर घुस जाइए, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो होने वाला है एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं एक डिकैथलॉन के कैंपिंग आपका स्लीपिंग बैग का। तो कैंपिंग में ना मोस्टली स्लीपिंग बैग का जरूरत पड़ता है, क्योंकि गर्मियों पे तो इतना रहता नहीं है, लेकिन विंटर्स पे बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक स्लीपिंग बैग हो। तो ये है हमारा स्लीपिंग बैग, तो इसका फटाफट करेंगे हम अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो इसमें से फटाफट निकालते हैं, और ये है अपना बैग, आप देख सकते हैं ये है हमारा केचुए का स्लीपिंग बैग। सो दोस्तों, ये है अपना स्लीपिंग बैग, और इसमें ज्यादा कुछ तो निकला नहीं है, बट अपना यही बोलते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ यही निकला है, और इसको करते हैं अनबॉक्स, ठीक है। तो ये इसका पाउच है, और आप देख सकते हैं ये आपका डिकैथलॉन का है, केचुआ का, और 10 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से काम करेगा, तो 5 भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि इसका मैंने रिव्यू देखा है बहुत सारा, तो अच्छा होता है। बाकी जब मैं इसका यूज करूंगा और उसके बाद आपको एक प्यारा सा रिव्यू दूंगा इसका। फिलहाल इसको खोल लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको कुछ अभी हमें जरूरत नहीं, इसको साइड कर लेते हैं और इसको आराम से निकाल लेते हैं। तो इसको भी पीछे रख देते हैं, और ये है हमारा स्लीपिंग बैग। ये देखिए, मस्त दिख रहा है आपको, एक बंदा इसके अंदर आराम से घुस जाएगा, ये देखो। और यहाँ से इसका चैन सिस्टम है, ये पूरा ओपन भी हो जाता है, और आराम से इसमें आप घुस जाओ। ये देखिए, मतलब गर्म रहने वाला है सिस्टम। सो क्वालिटी वाइज तो अच्छा लग रहा है, और बाकी ये देखिए इसमें चैन सिस्टम, ये है आपका, इसमें आप चैन कर सकते हैं। लेकिन पता, इसकी एक खासियत है, अगर आप कभी दो लोग हो जाते हैं तो ये आपका ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन आपको एक स्लीपिंग बैग और खरीदना पड़ेगा, दो होने चाहिए, उसके बाद आप इसमें चैन लगा कर उसको अटैच कर सकते हैं और दो लोग आराम से सो सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली ये आपका 2000 के समथिंग है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छा मिलने वाला है, ये आपका लोगो डिकैथलॉन का। सो फैमिली, ये देखिए सही है, मतलब अगर कैंपिंग करना है ना विंटर पे, स्लीपिंग बैग होना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कंबल और रजाई लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाइक पे कंबल रजाई लेके जाएंगे किधर, तो ये थोड़ा सा आपकी जगह भी कम लेगा, ठीक है। ये देखिए, जगह कम लेने वाला है, थोड़ा सा करके इसको फोल्ड कर लो, मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे देख के, और उसके बाद जो अपना ये पाउच रहता है ना, इस पाउच में इसको डाल दो, मतलब इजी टू केयर है, इसमें इसके आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके साथ पैम्पलेट नहीं है, ये सिर्फ एक ये 2999 का टैग आया हुआ है इसके साथ, तो आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया चीज है। अगर आप देखेंगे ना, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है और चैन का क्वालिटी अच्छा है, बाकी इसका यूज करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कैसा रहा पूरा। ये देखिए आप, मतलब अच्छा दिख रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो पानी ये झेल सकता है, वाटर रेसिडेंट बोल सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत अभी है या नहीं है ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। सो फ्रेंड, बाकी मैं इसमें एक बार आपको सो के दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसमें सो सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना चैन है तो इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ये ओपन कर लीजिए आप और आराम से इसके अंदर घुस जाइए, ठीक है।
थोड़ा सा चैन लगाने में इसमें दिक्कत होगा और 6 फीट का आदमी इसमें आराम से आ सकता है, ठीक है। मतलब ये गर्दन तक आएगा, सर इससे ढकेगा ही तो आपकी गर्दन तक तो आराम से आ जाएगा, तो ठीक है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये अगर आपको हल्का सा फोल्ड होके घुटने मोड़ के सोने की आदत है ना, आप सर भी छुपा सकते हैं। और ये चैन को आप पूरा लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा चैन लगाने में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन है इजी, बस लगा लीजिए और सो जाइए, ठीक है। ये देखिए मस्त करके पूरा आप सो सकते हैं, ठीक है, बढ़िया करके। मैं पूरा छिप गया हूँ अभी, देख सकते हैं आप लोग, तो ऐसे करके आप सो सकते हैं बढ़िया करके। तो ये देखिए आप, मतलब 6 फीट का आदमी इसमें आराम से आ सकता है। सो यार गाइस, बाकी ये इस तरीके से फोल्ड हो जाना है और उसके बाद आपने इसको इस पाउच पे डाल देना है इजीली, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइट दबा के रखिएगा ताकि आपका पूरा इसके अंदर आ जाए, अदरवाइज खुल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए पूरा आ चुका है अच्छे से, ठीक है। ये आपका पूरा टेंट इसमें आ चुका है, बाकी आपके इसमें एक क्लिप दिया हुआ है, इसको आप टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी थोड़ा सा मेरे से इसका अच्छे से बना नहीं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये ओपन किया तो थोड़ा सा यहाँ से खुला रह गया, बट ये भी क्लोज हो सकता है अगर आप इसको आराम से बंद करें। सो अभी ये हमारा हो चुका है पैक। सो आई होप कि आज का अनबॉक्सिंग वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और हमारा ये स्लीपिंग बैग भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना और भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।